वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। आज हम आपको सिखाएंगे कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं या ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या कहीं पे भी आपको जो एक लिंक मिलता है ऐसा, जिसमें उस टेस्ट का या एग्ज़ाम का लिंक होता है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपके पास जो लिंक ओपन होगा वो इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी फिल कर दी है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पासवर्ड डिमांड करेगा। आपको पासवर्ड यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड फिल करना होगा। यहाँ पे पासवर्ड फिल करने के बाद आपके पास ऐसे आपका टेस्ट या आपका एग्ज़ाम ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन डिमांड की गई है, पूछी गई है, वो आपने फिल कर देनी है। यहाँ पे आप अपनी क्लास और सेक्शन चूज करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। आगे अगर आपके पास क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है, जो सही ऑप्शन है आपके अकॉर्डिंग वो आपने क्लिक करना है। तो ऐसे टेस्ट और एग्जाम आपने पहले भी दिए हो सकते हैं। आगे एमसीक्यू के बाद अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऐड फाइल का ऑप्शन मिलता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप अपने पास शीट पे लिख के पूरा आंसर उसकी फोटो क्लिक करके या फिर उसकी पीडीएफ फाइल बना करके आप यहाँ पे अपलोड करोगे। उस फाइल को अपलोड करने का मेथड और प्रोसेस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप ऐड फाइल पे क्लिक करोगे। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा बॉक्स शो होगा अपनी स्क्रीन पे, चाहे आप अपने मोबाइल पे कर रहे हो टेस्ट या एग्ज़ाम, चाहे आप अपने पीसी पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कर रहे हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पीसी में से या फिर आपके मोबाइल में से एक विंडो ओपन होगी, जहाँ पे आपके मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स शो हो जाएंगी। जहाँ पे भी आपने अपना आंसर उस क्वेश्चन का रखा हुआ है फोटो क्लिक करके या पीडीएफ फाइल बना करके, तो उसको आप सिलेक्ट करोगे। आंसर किसी भी फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है, आपको दो सैंपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट जो फाइल है वो पीडीएफ फॉर्म में है, सेकंड जो फाइल है वो आपकी इमेज फॉर्म में है, फोटो की फॉर्म में है। तो आप किसी भी फॉर्म में यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने पीडीएफ का ऑप्शन चूज किया है, पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट किया है और उसके बाद आप इसको अपलोड के लिए ओके कर दोगे और नीचे आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। उस अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी प्रोसेसिंग थोड़े टाइम में कंप्लीट हो जाएगी और
आपको ये फाइल ऐसे अपलोडिंग के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद आपने सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब आपकी सारी फाइल्स आपने अपलोड कर दी, सारे क्वेश्चंस का आंसर और सारी अपनी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल कर दी, उसके बाद आप इसको सबमिट करोगे। सबमिट बटन आपको शो होगा एट द एंड ऑफ द एग्जाम और टेस्ट, तो उसी बटन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन शो होगी। इसका मतलब है कि आपका टेस्ट सबमिट हो चुका है, आपका टेस्ट सबमिट हो गया है। जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मैसेज आ गया है, योर टेस्ट हैज बीन सबमिटेड। यहाँ पे आपको कोई और डिफरेंट ऑप्शन भी मिल सकता है, जैसे योर रिस्पॉन्सेज हैव बीन रिकॉर्डेड। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता है स्क्रीन पे शो, उसका भी मतलब है कि आपका टेस्ट सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको दोबारा दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसी टेस्ट को दोबारा सबमिट करने की ट्राई करते हो, तो उस पे आपको एक ऐसा मैसेज शो होगा जैसा कि यहाँ पे आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड, यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस, ट्राई कॉन्टेक्टिंग द ऑनर ऑफ द फॉर्म इफ यू थिंक दिस इज अ मिस्टेक। तो दिस मैसेज मीन्स कि आपने अपना टेस्ट और एग्जाम सबमिट। ये थी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन टेस्ट और एग्जाम अटेम्प्ट करने के बारे में। ऐसी और इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।